Hi guys, what's up? Good morning. Am I audible? Visible? Can someone confirm? Check, 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 check. Hello, 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 hello. Alpha to everybody, alpha to everybody. Come in. Please check together. Am I audible and visible or no? Good morning, everybody. कैन समन कंफर्म परफेक्ट ओके ग्रेट सो आज हम हमारा शुरू कर रहे हैं क्लास टू मैंने फर्स्ट फोर चैप्टर्स का आपको एम सी यू करा दिया था मॉड्यूल से बाकी और चार चैप्टर्स बच्चे हमारे मॉड्यूल से करने का कर, बाकी भी चैप्टर्स है आज का हमारा है चार चैप्टर्स कंप्लीशन प्लान किया है एविडेंस वाला प्लान किया हुआ है रिपोर्टिंग प्लान किया है और एक और है एक और कौन सा है कोई मुझे बता पाएगा Hey guys, good so, I hope आपको क्लास वन समझ में आ गई होगी सारे जो एमसी के अपन ने किए थे मैं एक बार शेड्यूल में चेक करता हूँ क्या लिखा था मुझे चौथा चैप्टर का याद नहीं आ रहा एक मिनट नेक्स्ट आंसर इज आई मीन स्पेशलाइज है रिपोर्टिंग है कम्प्लीशन है एंड एविडेंस है स्पेशलाइज्ड है रिपोर्टिंग है कंप्लीशन है एंड एविडेंस है चलो शुरू करते हैं हम लोग रिपोर्टिंग फर्स्ट रिपोर्टिंग तो वही सेम पैटर्न अपना आप चैट में लिखोगे जो भी आंसर्स आपके हिसाब से राइट होंगे लेट्स रीड द क्वेश्चन तो पूरी स्टोरी है पांच पैराग्राफ है रिपोर्टिंग में हमारे पास कारों की बातें हुए वन फोर्टी थ्री वन टू थ्री ट्वेल्व देन सात सौ के सीरीज सात सौ सात सौ एक सात सौ पांच सात सौ छह सात सौ दस सात सौ बीस ठीक है तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते सीधा अपन अटैक करते हैं हमारे एमसीक्यू पर

There is no proper system and internal control to verify the revenue generated देर इज नो प्रॉपर सिस्टम therefore the team has been unable to verify such revenue generated through cash sales. आप नहीं चेक कर पाए हाथ के इसका क्वेश्चन कर सकते क्योंकि ये पांच अलग अलग पैरास हाँ, अगर ये इंटीग्रेटेड होता साथ में मतलब इसमें तो बता रखा है अलग अलग है हाथ कैच इसका आंसर कर दीजिए आप एज रिगार्ड डिस्क्रिप्शन रेवेन्यू जनरेट थ्रू कैश सेल्स Of a company, which of the following is most appropriate? As per 705, choose the right answer. Qualified opinion basis for qualified, adverse opinion basis for adverse, disclaimer, or oh, disclaimer will be issued. and The basis for disclaimer opinion will be provided. Besides, the statement in the report uh, will be changed from FS have been audited to auditor was engaged to audit FS. A disclaimer of opinion will be issued and basis for disclaimer will be provided. Besides, uh, audit report will be changed from FS have been audited to FS have not been audited. चूज कैश सेल्स है एटी परसेंट आप चेक नहीं कर पा रहे कौन सा आंसर राइट होगा आपका चूज द राइट आंसर इज लिखो चैट में कौन सा आंसर राइट होगा गिमी ऑप्शन अमित कुमार बी बोल रहे हैं आप मंत्री बी बी वन का बी मैं मार्क कर रहा हूं बाकी लोगों के लिए मेरे हिसाब से रॉन्ग है शायद वन का बी मार्किंग इट फॉर एवरीबॉडी ठीक है बी बाद में तो क्यों राइट है क्या रॉन्ग है मुझे भी नहीं पता क्या टीएस लिमिटेड विभूति दीदी कह रही है क्वालिफाइड ओके okay.

एफ एस ऑफ दी एस लिमिन आर साइलेंट ऑन दिस लिटिगेशन मैटर मतलब केस हो रखा है कंपनी के ऊपर पचास करोड़ रुपए का उसके पॉजिटिव बात भी है फेवर भी और अगेंस्ट भी है फेवर हो तो अच्छी बात है अगेंस होगा तो आ आज पे करने के द एफ एस आर साइलेंट एफ एस आर साइलेंट शिव विच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन दिसार्ड टफ सेकेंड का आंसर कीजिए मैं डॉट डॉट डाल रहा हूं उसके बाद आंसर सब लोग कह रहे सी सी ठीक है वर्क्स थर्ड इट इज नोटिस ऑन रिव्यू ऑफ ऑडिट फाइल ऑफ अ क्लाइंट दट द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वॉज टू करोर्स ठीक है ऑन अ टर्न ओवर ऑफ हंड्रेड कोर्ड नेट प्रोफिट बिफोर टैक्स दर इज एन एक्सपोर्ट रिसीबल फ्रॉम अ चेन ऑफ टोर्स आउट साइड इन दफ एस आर थ्री फॉर फॉर विच दर इज नो चांस ऑफ रिकवर द सेट चीन ऑफ स्टोर हैज गॉन बैंक दर इज ऑल्सो नो होप ऑफ रिकवरिंग मनी थ्रूसीिकल कुछ नहीं आने वाला दैट हैज नॉट बिन रिटर्न ऑफ बाई द क्लाइंट डिस्पाइट बिंग कम्युनिकेट वि क्लाइंट उसको उड़ाया नहीं है लोग ने अभी ठीक है नेट प्रॉफिट वॉज टू क्रोज ऑन एन ओवर हंड्रेड एन एक्सपोर्ट रिसेबल बट वो डूबने वाला है वाला है ठीक है तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा तो आप लॉस में चले जाओगे क्योंकि अगर इसको अपन ने राइट ऑफ़ किया तो नेगेटिव हो जाएगा ना फिगर अब सी में क्या कह रहे हैं कंसिडरिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इशू रिगार्डिंग नॉन रिकवर शुड भी अप्रूड इ शुड लॉजिकल है कि भैया हमने हमको बोला डिस्कलोज ने डिस्कलोज नहीं किया है एडजस्टमेंट नहीं किया। कौन सी ओपिनियन बताओ कौन सी ओपिनियन जाएगी अच्छा कौन सी ओपिनियन झांसी से कह रही है सी बाकी लोग का आफ्टर माय डॉट डॉट्स शुभम भी कह रहे सी प्रणब भी कह रहे सी सी ओके okay, क्वालिफाइड देंगे सर क्वालिफाइड क्वालिफाइड रामचंद्र आल्सो क्वालिफाइड फोर्थ बाद में डिस्कस करेंगे क्यों क्या क्या है फोर्थ कर फाइल ऑफ अ स्मॉल फिनेंस बैंक इट वॉज नोटिस द टीम है पैरा प्रपोज टू भी इंक्लूडेड अंडर ईओ पैरा प्रपोज टू भी इंक्लूडेड अंडर ईओ पैरा ईओ का पार्ट है

रामचंद्र कह रहे सी विभूति जी कह रही है डी मिक्स आंसर्स मिक्स आंसर मेरे को ज्यादा लोग मिले डी मार्किंग इट फॉर एवरीबडी मार्किंग इट फॉर एवरीबडी पूजा ने प्रणब ने सी बोला है ठीक mark है मार्किंग मार्क कर लिए फाइल ऑफ अ क्लाइंट इट वॉज नोटिस दै द टीम हैज नॉट इन्फॉर्म अबउट फिनिश गुड्सो लाइंग एट अ लोकेशन टेकन ऑन रेंट The said issue was flagged at time of reconciling the inventory by the team. Hence, the team could not attend the physical inventory counting. नहीं कर पाए. The auditing process cannot be performed in absence of the adequate records pertaining to the location. Total inventory reflected in FSR eight crores. PBT is ten crores. Profit before taxes eight ten crores. ठीक है? आठ एक करोड़. Total है आठ करोड़ रुपए की एक करोड़ के बंद देख नहीं पाए. कौन सी opinion देनी है बताओ. फिफ्थ तो बहुत ही इजी है फिफ्थ पा तो कहीं बहुत बहुत ईजी है बहुत ईजी है बता लॉजिकल है फिफ्थ का तो बी है बहुत इजी बाव बहुत इजी ठीक है चेके? बी चेक कर ले आंसर्स मिस्टेक्स है देखो सी है ये राइट है डी है ये भी रॉन्ग है सी है ये राइट है टफ क्वेश्चन टफ क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों के बेसिस बहुत ज्यादा हिले हुए, बेस हिले हुए क्या है आंसर चेक कर लेते हैं अपन क्यू है रॉन्ग देखो अभी पहला आंसर लॉजिकल था बहुत 19% परसेंट ऑफ बच्चों ने रॉन्ग दिया एक ने शायद राइट दिया था क्या कह रहा है द टीम हैज बिन अनेबल टू वेरीफाई सच रेवेन्यू जनरेट थ्रू कैश सेल्स कंपनी का सब्सटैशियल पार्ट रेवेन्यू है एटी परसेंट इज जनरेटेड थ्रू कैश सेल्स बराबर एटी परसेंट कहाँ से आ रहा है सर वो कैश सेल्स से आ रहे हैं तो मतलब ये क्या है मटेरियल है मटेरियल है सर मैं देख ही नहीं पाया हूँ जब मैं देख ही नहीं पाया तो ओपिनियन क्या आनी चाहिए डिस्क्लेमर आनी चाहिए थी ओपिनियन क्या आनी चाहिए थी डिस्क्लेमर आनी चाहिए थी तो पहला चीज़ तो क्वालिफा कट हो जाता है एडवर्स कट हो जाता है अब बचता है डिस्क्लेमर अगर डिस्क्लेमर पहला अगर आपने पढ़ रखा है तो ये एफ एस इन ऑडेड एंड यहाँ पर क्या है ऑडिटर है ठीक तो, है तो ये तो क्वेश्चन कह रहे हैं ना एटी परसेंट ऑफ सेल्स कैश में हो रही है तो सौ रुपए में से अस्सी टका तो कैश क्यों रहा हो आप वो ही नहीं देख पाए देख ही नहीं पाए तो क्या होगा डिस्कलेमर ही आएगा ना तो वन का इज सी टू का आप सबका राइट है क्योंकि मटेरियल नॉन कंटीनशन लाइबिलिटी थी तो ये कट हो जाता है ये कट हो जाता है कंटीनशन लाइबिलिटी अब yeah. सर कंटीन सेबिलिटी जस्ट वन ऑफ द कंपोनेंट इसके लिए अपन कौन, कौन सी ओपन देंगे क्वालिफाइड क्या देंगे अपन क्वालिफाइड थर्ड आराम से देंगे थर्ड क्यों थर्ड एडवांस होना चाहिए था तीन का प्रॉफिट था सॉरी तो दो करोड़ रुपए का प्रॉफिट था तीन करोड़ रुपए का मेरा आ, एक्सपोर्ट रिसेबल था इसको मुझे राइट ऑफ करना चाहिए राइट ऑफ करता मैं, तो क्या हो जाता मेरा प्रॉफिट से लॉस पर चला जाता प्रॉफिट से मेरा लॉस पर चला जाता तो ये इट इज मटेरियल एंड परवेसिव क्योंकि मेरे जो ओपिनियन थे अपने आप चेंज हो जाती प्रॉफिट एंटिटी से हम क्या बन जाते लॉस मेकिंग एंटिटी तो थर्ड का इज डी हाँ अगर कोई कंपोनेंट होता ना मतलब सेल्स का कुछ इश्यू है रेंट एक्सपेंस का कुछ इश्यू है एक कंपोनेंट होता तो वो क्वालिफाई पे जाता भैया आपका प्रॉफिट सबसे लॉस पे हो गया तो क्या हो जाएगा वो परसिव इट इज एडवाज एडवाज ओपिनियन फोर्थ ये आपको बता ही रहता था रॉन्ग है सर One second guys, I'll be back. हेलो पॉल जी सुनो अभी सो मटेरियल अनसर्टेनिटी वाली जो बात है आपको क्वेश्चन में दिख रहा है कि वहाँ पर जीसी हिला पड़ा है जब जीसी हिला पड़ा तो अगर अपने को डाउट होती है तो यू डोंट राइट अंडर ई ओ पैरा वो एक अलग हेडिंग होती है ना अगर आपको अगर तो टाइटल तो होता है एड्रेस ही होती है ओपिनियन होता है बेसिस होता है बेसिस के नीचे जी सी आता है सो सेपरेट पैरा ऑन द मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू जी अंडर द हेडिंग ई ओ इन रिपोर्ट शुड बी गिवन एज़ फैसिलिटी ये रॉन्ग है क्योंकि इंस्टेड ऑफ गिविंग यूएम पैरा सेपरेट पैरा ऑन दी मटेरियल इन रिपोर्ट शुड बी रिकॉर्ड पैसे अगर आपको याद अपन कैम में बोलते हैं ट्रिपल बार आएगा एफ एस में आएगा आने दो सर वो जीसी पैरा में आएगा आने दो सर उसको वो में भी रेफरेंस करने दो सर वो उसको कैम में भी करने दो तो जीसी एक ऐसी चीज होती है जो चार जगह दिखती है एफ एस में दिखती है जीसी पैरा में दिखता है EO में दिखता है, कैम में भी दिखता है सर चार बार एक ही बात आई चलेगा कोई दिक्कत नहीं है तो फोर का आंसर वो सी फोर का आंसर वो सी फाइव का तो लॉजिकल था एक ही चीजें देख ही नहीं पाया सर इन्वेंट्री uh, की बात तो सर वो हो जाएगा आपका क्वालिफाइड ओपिन टाटा बाय बाय पांचों खत्म कैसा लगा गाइस टफ क्वेश्चन टफ क्वेश्चन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ट्रस्ट में एमसीक्यू हुआ या डिस्क्रिप्टिव हुआ चीजें नहीं हो पाएगी कॉन्सेप्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट आप सोचोगे कि मैं कुछ वो आजकल मार्केट में फिर से चालू हो गया वो ए बी सी एक्स वाई सी पी क्यू आर एल एम एन ओ एनालिस ना वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा उससे कुछ भी नहीं होगा मॉड्यूल 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 करके जाना पड़ेगा जब तक ये नहीं करोगे सब भारी भारी एम से क्यू से नए नए क्वेश्चन आए हैं टफ है दीदी फोर्थ क्वेश्चन है ना मैनेजमेंट ने एफएस में डिस्क्लोज कर दिया जीसी की बात मैनेजमेंट तो ने एफएस में डिस्क्लोज कर दिया तो आप उसको कहाँ लिखते तो हो सपरेट पैरा में लिखते हो सपेट पैरा जीसी सी पैरा होता है अगर आप ऑप्शन डी देखोगे वो क्या बोल रहा है सपरेट पैरा ये भी सपरेट पैरा ही बोल रहा है ये भी सपरेट पैरा ही बोल रहा है सपरेट पैरा सपरेट पैरा सपरेट पैरा पर है अंडर द हेडिंग यूएम पैरा अरे अंडर द हेडिंग थोड़ी होता है यू एम पैरा अलग होता है ई यू एम अलग होता है जीसी पैरा अलग होता है हम लोग को अलग से जीसी पैरा में लिखना पड़ेगा तो अगर अभी भी जिनके मैं आपको बता रहा हूँ देखिए बहुत सारे जो बच्चे हैं जो 2018-19 नहीं 19 कोविड के बाद से यूट्यूब पे थे आज भी वो यूट्यूब पे मिलेंगे उनको अभी भी समझ ही नहीं आ रहा है वो आज भी वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एल लास्ट मिनट रिविजन होता है ना एल ये एनालिसिस यानी वो एनालिसिस जो भी ये जो I would not say teacher, I would say fraudsters, जो बच्चों को भेका देते हैं अगर आप आज भी उनपे विश्वास करो समझो पहलाबस का नया, का नया है। कैसा किसी के पास इम्पोर्टेंट होगा किसी को पैटर्न ही नहीं पता होगा कैसे कोई बता सकते क्या आने वाला है आप नहीं क्लियर करोगे समझो पहला पैटर्न है कुछ इंपोर्टेंट नहीं हो सकता हाँ ये पता है कि नए चैप्टर्स की वेटेज ज्यादा होगी तो उस पर ज्यादा फोकस होना पड़ेगा आपको नया चैप्टर्स है क्योंकि पहली बार आया है तो उस पर ज्यादा फोकस होना पड़ेगा अगर आपको दो अटैम्प लगा है तीन अटैम्प लगा है चार अटैम्प लगा है आठ अटैम्प लगा है एंड स्टिल अगर आप बोलते हो कि मेरे को ऑडिट में इंपॉर्टेंस ही करके जाने का है तो बच्चों मैं भी यहीं हूँ यूट्यूब भी यही है हर अगले अटैम्प में फिर मिलेंगे अपन प्लीज स्टडी मॉड्यूल 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 मत जाओ वो सब इम्पोर्टेंस यानी लोग मैंने मेरे को किसी बच्चे ने बोला कि कोई कोई टीचर है जो पैसा दे के इम्पोर्टेंस बेचता है और बच्चे खरीद रहे उसको उनको और उस टीचर को रोडिस का ग्रैंड सैल्यूट करमा है यहीं भुगत के जाना पड़ेगा हाउ कैन यू से समथिंग इज इंपॉर्टेंट एंड देर इज नो पैटर्न देर इज नो फ्लो ऑफ इट मे ट्वेंटी फोर इज न्यू सिलेबस अटैम्प एंड लोग खरीद रहे पैसा दे के मतलब मानना पड़ेगा पैसे वाले लोगों मैं तो यूट्यूब आपको एम सी यू करा रहा हूँ मॉड्यूल से मेरे स्विस बैंक अकाउंट में जरा बेटा पाँच रुपये भर दीजिएगा बहुत है मेरे लिए पाँच रुपये उनको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि भैया ऑडिट का लेवल है अब लॉ हट गया है तो ऑडिट का एक लेवल है मॉड्यूल से बाहर से कुछ नहीं आना है ठीक है सो हमें लगी पंद्रह से बीस मिनट इसमें करने के लिए क्योंकि लेवल थे इस क्वेश्चन के तो हमारा रिपोर्टिंग खत्म अब हम आते हैं कंप्लीशन पे दो है इसमें चलो पेज नंबर सिक्स पॉइंट वन टू कंप्लीशन एंड रिव्यू पेज नंबर सिक्स पॉइंट वन टू

And also, she sent Deepak, her article training, who is a member of engagement team, to the company's office for collection for the same WR Lebeja. -E -E on returning, Deepak tells Sneha that the major stocks of the company got destroyed because of a fire on 27 June. And it has affected company's cooperation badly. However, the business operations are likely to be resumed by the management at an alternate place. C.S. Sneha postponed the issuance of the report to consider the impact of such an event on the FS of the company. She wants the management to disclose this unfortunate event in the FS of the year 22 23.

अब अगर किसी ने 560 बराबर पढ़ा है तो मजा आएगा क्या आंसर कर पाओगे वॉट शुड बी द अप्रोप्रिएट डेट ऑफ साइनिंग ऑफ न्यू रिपोर्ट 20 जुलाई एनी टाइम बिटवीन 15 से 18 जुलाई ऑन और आफ्टर 25 जुलाई एनी टाइम बिटवीन पंद्रह जुलाई से लेके पच्चीस जुलाई भाई साहब अब कर लो तुम तुम्हारे एल कर लो तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ ये पूरा पैरा तुम्हारे सामने है बोलो बोलो मेजोरिटी लोग कह रहे वन का है सी क्यू है पता नहीं वन का सी ठीक है बाद में बताऊंगा रीजन क्या है अब अगर आपने ऐसे 560 की थ्योरी पढ़ रखी है तो नेक्स्ट आंसर आप कर पाओगे सीए है वो टेक इनटू अकाउंट अलॉट ऑफ प्रोसीजर टू गेट द नॉलेज ऑफ इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट अपू द डेट ऑफ रिपोर्ट विच आर द फॉलिंग डज नॉट फॉल अंडर सच प्रोसीजर कौन सी बात फाइव सिक्सटी के प्रोसीजर में नहीं है कौन सी बात फाइव सिक्सटी के प्रोसीजर में नहीं है चलो करो आंसर अगर आपको फाइव सिक्सटी का थियोरी याद है प्रोसीजर वाला आंसर तो आप कर पाओगे टू का आंसर क्या है लॉजिकल है टू का बोल रहा है इंटरम एफ एस बनवाओ डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट मैंडेटरीली पागल है क्या भाई पागल है क्या टू का इज डी ये तो चलो इजी हो गया थर्ड ओ विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट ऑर्डर रिपोर्ट डेटेड 15 जुलाई विच टाइप ऑफ ओपिनियन वॉज मोस्ट लाइकली टू बी प्रोवाइड बाय अगर वो 15 जुलाई को देती तो क्या ओपिनियन देते मॉडिफाइड अनकालीफाइड मतलब क्लीन हो गया डिस्कलेमर इंक्लूडिंग यूएम और एक सेकेंड पंद्रह जुलाई को क्या हुआ था ये उसने मैनेजमेंट को बोला कि मैनेजमेंट कर पर ने मना कर दिया है पंद्रह जुलाई को अगर वो रिपोर्ट देती तो क्या होता मॉडिफाइड अनकालिफाइड डिस्कलेमर यूएम ओ एम जुलाई बोलो मॉडिफाइड अनकालिफाइड डिस्क्लेमर ई एम मैनेजमेंट को बोला डिस्क्लोज कर पर मैनेजमेंट डिस्क्लोज नहीं किया शुभम कह रहा है ए रामचंद्र सिंह सी अमित कह रहा है ए आई गो विद मेजोरिटी थ्री का ए आई गो विद मेजोरिटी थ्री का ए फोर्थ विद रिगार्ड्स टू न्यू रिपोर्ट विच टाइप ऑफ ओपिनियन इज मोस्ट अप्रोप्रियट विच टाइप ऑफ ओपिनियन इज मोस्ट अप्रोप्रियट नई रिपोर्ट के हिसाब से नई रिपोर्ट उसने दी यहां पर फ्टर दिस पैरा सी एस नेॉन्सेंड दस इंक्लूड इम्पैक्ट ऑफ लॉस द फाइनेंशियल बोथ देंट ने कर दिया इस चीज को तो कौन से अब ओपिनियन दोगे डिस्कलेम अनकालीफाइड क्लीन एडवर्स फिर unclean मतलब एंड प्लस पैरा बोलो फोर्थ में क्या लिखोगे लॉजिकल है सब उन्होंने डिस्क्लोज कर दिया है तो मैं क्लीन ओपिनियन दे दूंगा एंड एफएस में आ गया तो मैं पैरा में डाल दूंगा क्योंकि एफएस में आ गया है फोर्थ डी। फिफ्थ द इवेंट अकरिंग ऑन सत्ताइस जून इन द कंपनी अ फॉलोइंग एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द माइन सत्ताइस जून को क्या हुआ था सत्ताईस जून को देर वॉज अ फायर

रिपेयरिंग एफ एस एफ एस तो बेकार है वेटिंग फॉर द इंश्योरेंस कंपनी टू सेटल दिटी कह रही है हिमांशु ने बी बोला है विवेक कुमार ने बी बोला है मार्किंग इट फॉर बोथ ऑफ दे मेरे को भी गलत लग रहा है चेक करें आंसर को डी ए डी एंटीजन लाइब्रीटराइज हो गई है तो अच्छा अपन कब करते उसको एडजस्ट जब अपने को पता होता है कि चीजें कांड हो चुका है और उसका इंपैक्ट आ रहा है सत्ताइस जून को अगर हुआ था सत्ताइस जून को हुआ था तो मैने का फर्स्ट प्राइमर ड्यूटी का था उसको एफ में डिस्क्लोज कर उसको उसका इम्पैक्ट जब ऑर्डर आके बताया कि उसको एडजस्ट तो है तो अपने को एडजस्ट करना वाला जो क्वेश्चन था उसमें इसलिए क्या है, वो पच्चीस जुलाई के बाद कभी भी अपन दे सकते हैं यहाँ लिखा ना मैनेजमेंट आर फाइनली अप्रूव पच्चीस जुलाई तो पच्चीस जुलाई के बाद आप कभी भी अपनी रिपोर्ट इशू कर सकते हैं वो एक पॉइंट है एस ए फाइव सिक्सटी में लिखा हुआ है क्लियर किसी को कोई डाउट पहली केस स्टडी में आ जाओ केस स्टडी टू करते हम लोग अभी केस स्टडी टू नाउ सी अमित पार्टनर इन जे एंड असोसिएट इज कैरिंग आउट दफ एक्स वाई जी गेयर लिमिटेड फॉर इन दोसेस ऑफ इशूंगल ट्रीनी मनप्रीत ऐ, मनप्रीत अपने साथ मनप्रीत भी आज इज वेरी क्यूरियस अबाउट द नोइंग टू कंसिलेशन ऑफ स्टैंड ऑन ऑडिटिंग आउट एंड ऑडिट एंड इशूंगी आस्क नबाउट The relevance of GC assumption in their audit and further reporting to which Namit explains to her that both parties have got their own responsibility with respect to accounting assumption. The management of the company has its own set of set of responsibility while reporting upon the same is very strict and sensitive matter for the auditor as per the requirement of the relevant standards on auditing. He tells manpreet to prepare a list of procedures as she thinks fit that an auditor should carry out here when he identifies the company is facing a downfall in the business. Okay.

इसमें नहीं आता अर्पिता का डाउट में ले लेता हूँ अर्पिता आपका डाउट बाद में लेते हैं अर्पिता मैनेजमेंट ने गलत किया था ना गलत किया है तो आप क्लीन नहीं दे सकते हो डिस्क्लेमर आपने देखा तभी तो पता चला गलत है ईव की बात ही नहीं आई तो क्या बचता है मॉडिफाइड तो बचता है अपने पास मॉडिफाइड में यहाँ पर वो क्वालिफाई पर लेके जा रहे हैं पर मॉडिफाइड ही लिखोग मैनेजमेंट ने गलत किया तभी तो आपको पता चला ना तो आपने देखा तो डिस्क्लेमर तो आई नहीं सकता था बोलो विच द फॉलोइंग डज नॉट फॉल फर्स्ट का डी वेरी गुड डी गारंटी अरे हम कैसे गारंटी देखे दे भाई कंपनी का धंधा है वो मतलब कंपनी जी जीवन भर चलते हम कभी गारंटी दे ही नहीं सकते चीज ये तो वन का है डी टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इज रेलिवेंट इन केस पर द लिस्ट प्रिपेयर बाई मनप्रीत भाई साहब ये टफ है, है देखो वन टू फोर फाइव सेवन वन थ्री फाइव टू फोर सिक्स सेवन एट वन टू थ्री फोर फाइव ये टफ क्वेश्चन है ढूंढना पड़ेगा अपने को आठ पॉइंटर्स है मनप्रीत थिंग्स एंड रीच रिसर्च एंड हैंड्स ओवर लिस्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू अमित फॉर अ फाइनल डिस्कशन सी एन अमित क्लैरिफाइज अकॉर्डिंगली क्या हो रहा है यहाँ पर कंपनी डाउट है कंपनी सेबिलिटी टू कंटेंट जीसी तो देखो कौन सा नहीं होगा टफ बोलो सेकेंड का आंसर मेरे को तो टफ लग रहा है पर मेरे को थोड़ा सा आ गया है वो एलिमिनेशन टेक्निक यूज करो देखो जो वेस्ट चीज है वो हट सकती है विवेक कुमार दो होगा नहीं बेटा आपको टू का एबीसीडी इसमें से चूज करना है कौन सा बराबर है देखो रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू मेक इज असमेंटिव जैसी ये तो है ये तो होना चाहिए तो अगर ये वन होना चाहिए तो वन होना तो चाहिए वन होना चाहिए, वन होना चाहिए ये 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 तो ये मेरा कट गया वन तो होना चाहिए सोचो अभी और सी पॉइंट एट इज एक्चुअल तो आप ऑप्शन में से हटा दोगे ना उसको हम लोग फोरकास्ट एंड फ्यूचर कॉज ऑफ एक्शन ये दोनों भी पढ़ते हैं फोरकास्ट और फ्यूचर कॉज ऑफ एक्शन भी पढ़ते हैं तो फोरकास्ट कहाँ लिखा हुआ है टू में सॉरी फोर में और फ्यूचर एक्शन टू में लिखा है तो ये टू और फोर इसमें नहीं है तो ये कट गया अब बचता है ए और डी ए और डी मेरे ख्याल से ए मोर अप्रोपरेट लग रहा है ए ए अप्रोप्रेट लग रहा है ए देखते हैं मार्क करते हैं। दो तीन लोग ने ए बोला है टू का इज ए थ्री अच्छा ये बहुत इजी है सी ए न कंक्लूजन सी एम इथ द अवा विल लीड टू हिम विच टाइप ऑफ ऑडिट ओपिनियन फ्रॉम द फॉलोइंग अच्छा अपन ने बोला एमयूसी थी वो डिस्कलोज कर दी है तो आप क्या दोगे मॉडिफाइड ओपिनियन दोगे या अनमोडिफाइड ओपिनियन दोगे या सेपरेट सेक्शन मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू गोइंग कंसर्न ओ ऑप्शन क्या नीचे वन ओनली टू ओनली वन एंड थ्री टू एंड थ्री वन एंड थ्री टू एंड थ्री वन एंड थ्री वन एंड थ्री टू एंड थ्री बहुत इजी है आई गॉट माय आंसर आई गॉट माई आंसर अनमोडिफाइड ओपिनियन क्लीन ओपिनियन देते हैं जी सी पैरा राइट थ्री का डी थ्री का डी फोर्थ इंग्लिश इंटरप्रिटेशन है फोर्थ the management is under a responsibility to make specific assessment of the company's ability to continue gc the management is under a responsibility to make appropriate disclosure in connection with gc in the fs english interpretation बोलो मनोहर बहुत करेक्ट

bolo Czar forceable future फाइव का सी ओर सेबल फ्यूचर सारा राइट है बाबू सारा राइट है सारा राइट है शानदार 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 सारा राइट है कौन डाउट किसी को कंप्लीशन so, रिव्यू के दोनों हो गए ठीक है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रेज हुआ अब आ जाओ स्पेशलाइज पर स्पेशलाइज्ड टफ है इसके क्वेश्चन बता दो पहले से लेवल है कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप आंसर कर पाओ साहब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ठीक है इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो फोर्थ वाला भाई मैनेजमेंट का ड्यूटी है टू तो चेक जीसी ये तो सही है नंबर टू मैनेजमेंट का ड्यूटी है कि अगर एफ जीसी फॉलो नहीं हुआ तो एफ एसमेंट डिस्कलोज करे तो दोनों मैनेजमेंट को ड्यूटी ना अरे भाई सारा काम मैनेजमेंट का है पूरे ऑडिट में हमेशा ये बोलते है सारा भंगाल काम कौन करता है मैनेजमेंट का सर एक बार ओवरव्यू बता दो ना स्पेशलाइज के एमसीक्यू के साथ में पहले तुम आंसर करोगे दीदी अब भगवान करे ऐसा एमसीक्यू दे तो जो बच्चे इंपॉर्टेंस के चक्कर में जाते हैं उनके वहाँ पर लगेंगे ऑडिट में लॉ तब आएगा ना माचा फिर टीचर को गाली देंगे आईसीआई को गाली देंगे बाहर से पूछा ऐसा ऐसा क्वेश्चन दे रखा है मॉडल में

Unmodified opinion has been expressed by the auditor in the AFS or Smart Investment Mutual Fund as on 31st March and for the year ended 31st June. तो clean opinion दी गई थी AFS पे। तो so, उसका ना clean opinion आके qualified वस होते तो, तो SFS क्या होगा? वो सब चीज़ें। ठीक है।, है? अब तो यहाँ पर जो मोटा माटी अब तक attraction दिख रही है, एक तो summary AFS बोला गया, summary का दूसरा ना मबली जो होता है, तो advance zero। सेबी के हिसाब से बनाएँगे तो special framework।

िया बताओ अगर आपने मुझसे पढ़ रखा है ईओ बी में एस एफ टी में रेगुलर में तो आपको पता होगा Bolo. What is your viewpoint? विभूति ने कहा है सी बाकी सब कह रहे ए विभूति मैं आपके लिए मेरे लिए मार्क कर रहा हूं मेजोरिटी ए कह रहे हैं आप सी कह रहे हो खाली ठीक है आपके लिए मार्क कर रहे टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू एवरेज एफ इज नॉट एज पर एट वन जीरो नॉट एज पर एट वन जीरो सेकेंड नॉट है नॉट not not Heavy. see ठीक है बाद में देखते क्या है ओ भाई साहब पैरा पैरा की लैंग्वेज अब कर लो तुम्हारे इंपॉर्टेंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोव टू बी इंक्लूड हेडिंग ऑर्डर रिस्पॉन्स ऑर्डर रिपोर्ट देखो अभी एट वन जीरो को तो मेंशन होना चाहिए तो ये तो कट हो जाएगा बचता तीन है पड़ो आराम रा से यहां पर क्या चेंज है एडेप्टेड इन सरकम सेंसेस यहां पर है सेबी रेगुलेशन एंड एडेप्टेड इन सर्कम ये फर्क है नहीं नहीं वो एक और यूट्यूबर है ना और वो टीचर जो इम्पोर्टेंट बेचता है पहला चीज वो फाइनल का ऑडिट पढ़ाते नहीं है फॉरगेट फाइनल का ऑडिट वो फाइनल भी नहीं पढ़ाते और बच्चे उसका खरीद रहे टेलीग्राम पे मारा मारी हो रहे भाई एक जन खरीद लेते हैं पैसे बांट लेंगे अपने उनको कोई ये तो बताओ कि वो टीचर फाइनल का ऑडिट नहीं फाइनल ही नहीं पढ़ाता है और उसका लोग इंपॉर्टेंस के लिए मारे जा रहे हैं प्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिवियल प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर बताएगा फ्यूचर क्या मार्केट में स्कैम चल रहे है और पैसे वाले लोग पैसा दे रहे हैं जैसे उसी में से आएगा वन लुक्स मोर अप्रोप्रिएट डी जय माता दी लेट्स स्टॉक थर्ड का डी ओ भाई साहब फोर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोपरेट टू बी इंक्लूडेड अंडर दिन इन दर्डर रिपोर्ट करेंगे इसको डिस्कस करेंगे इन आर ओपिनियन आर अ फेयर समरी ऑफ दोन आर पॉ अकाउंटिंग पॉलिसीफाइन सेबी रेगुलशन एंड जनरली अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इन इंडिया सेबी क्योंकि वो स्पेशल पर्पज फ्रीमवर्क भी है इसीलिए

बताओ तो एक हिंट देता हूँ जो ओपिनियन ओपिनियन में रहता है ना तो जो बड़ा बड़ा होगा ना बड़ा बड़ा वो अपना ये होगा राइट आंसर होता है नाइनटी नाइन परसेंट वही होता है ठीक है तो छोटे वाले को तो कट कर दीजिए मोर अप्रोप्रिएट कौन सा लग रहा है 4 C. 5 which of the following is usually not an element of all report on abridge fs बोलो पांचवा का का डी कैम नहीं आता कैम नहीं आता मैनेजमेंट स्वामी तो आना ही है ईओ माना है तो ओएम भी आना ही है बचा क्या कैम नहीं आता देखिए आंसर जय माता आदि भगवान सब करे राइट हो ए सी ये बी है वही रॉन्ग है पहला वाले रॉन्ग है का वही वाले रॉन्ग है पहला वाले ही है फैर समरी वाला देखो फर्क समझना पहले मैनेजमेंट की जो अंडर अंडर हेडिंग ऑर्डर रिस्पॉसिबिलिटी आवर ओपिनियन इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन एवरिज एफ एस

तो हमारे जो प्रोसीजर्स है वो थोड़ी से अभी में तो ये नहीं आएगा आपका आंसर अच्छा आएगा बी आपका आंसर अच्छा आएगा बी फोर्थ अब फोर्थ का ए और सी में फर्क देखना इन आर ओपिनियन दब्रिज एफ एस डिराइव फ्रॉम दस इन आर ओपिनियन दब्रिज एफ एस डिराइव फ्रॉम दस

तो ये 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 ट्विस्ट था फेयर प्रेजेंटेशन बोलना आपको ट्रू एंड फेर व्यू जो बोलते ना ट्रू एंड कंसिस्टेंट ट्रू एंड में है नहीं आपने आपने फेयर प्रेजेंटेशन पढ़ा होगा ट्रू एंड फेयर व्यू फोर का आंसर है ए तो दोनों पैरा वाले टफ थे दोनों पैरा टफ मैंने आपको डिफरेंस बता दिया कहा क्या डिफरेंस है कंप्लीशन एंड रिव्यू समाप्त कौन डाउट किसी को अर्पिता दीदी क्लियर अभी आपको सारे इसमें की वाइट मैटर आता ही नहीं है नंबर टू सी ये इसका रिपोर्टिंग का पार्ट है लिखा ना इट शुड बी स्टेटेड इन द हॉटल रिपोर्ट यहां लिख दिया ना है तो रिपोर्टिंग का पार्ट है ये क्राइटेरिया कौन मनाया? मनाया। क्राइटेर दी दी, बनाया मैनेजमेंट बनाया है क्राइटेरिया दीदी मैनेजमेंट बनाया है अमित कुमार पाई होने के तो बहुत कुछ होता है ना पर जो वर्डिंग्स है उसके हिसाब से चलोगे हम हमेशा करते दैट डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैनेजमेंट स्पॉन्सिबल फॉर द समरी ई एफ मैनेजमेंट इज रिस्पांसिबल टू प्रिपेयर दी एफ एस पर अप्लाइड क्रटेरिया अप्लाइड करेक्टर क्या है वो हमको चेक नहीं करने का अप्लाइड करेक्टर के हिसाब से काम हुआ है बस हमको वो बोलने का पूरे ऐसे में कहीं भी लिखा है कि अपलाइड क्राइटेरिया में हमको जाके वेरीफाई करने के अप्लाइड करेक्टर बराबर है कि नहीं अपलाइड करेक्टेर मैनेजमेंट ने डिसाइड किया वो क्रेक्टर के हिसाब से एफएस एस बनाया कि नहीं हमको वो चेक करना है अप्लाइड करेक्टर क्या है वो कहीं भी लिखा हुआ है कि हमको चेक करना है क्या वो कहीं भी नहीं लिखा हुआ है ठीक है खत्म लास्ट आ जाओ अभी ऑडिट एविडेंस पर अरे छोटा सही है छोटा सा ही हाँ तो नो वेरिफिकेशन करेक्ट लास्ट पेज नंबर है 5.24 देखो अभी ब्लैक एंड लिमिटेड इज ऑल इनटू द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रेडीमेड गारमेंट्स इन अमृतसर इट्स प्रोसीजर्स और इट प्रोक्योर्स ऑल द रॉ मटेरियल फॉर इट्स प्रोडक्शन फ्रॉम पंजाब हिमाचल जम्मू कश्मीर इट्स सेल्स Market, however, covers almost all the northern parts of the country. CA Anu is the engagement partner of Maheshwari & Co., appointed at the start order of a company. She calls for the meeting of the engagement team to delegate work and responsibility. During the audit, the engagement team come across the following Bull and Private Limited is one of the vendors of the company from which the company has been purchasing bull for many years on a current account basis, but no single purchase has been made in the last nine months. An outstanding balance stated in the books of accounts. CA Anu wants to confirm the balance and requires the CF of the company.

सी एनू साइम सी डायरेक्ट कन्फर्मेशन विदनीज एक्सटर्नल लीगल काउंसिल रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट हाउ इट एंड इन एज एक्सटर्नल काउंसिल रेफ्यूजेस। वो मना कर देता है तो ओपिनियन कौन सी दिन होगी वही क्वेश्चन बनेगा द टी डॉक्यूमेंट ऑल इनफॉर्मेशन विद रिगार्ड टू अब अनूश ऑडिट रिपोर्ट अकॉर्डिंग बात सिशन एस ए फाइव जीरो फाइव पर दिख रहा है एक्सटर्नल कन्फर्मेशन में सारे क्वेश्चन ए की आपका है इंटीग्रेटेड और कुछ है ही नहीं एक एक क्वेश्चन छोटा सा उठा दे क्वेश्चन एक एक फैशन जिंगो हैज नॉट रिस्पॉन्डेड टू अनुज रिक्वेस्ट व्हाट द प्रॉपर कोज ऑफ एक्शन फॉर अ सिचुएशन फैशन जिंगो ये वाला एज एंड रिप्लाइड पॉजिटिव रिक्वेस्ट पर बोलो बताइए फैशन झिंगो भाई ने जवाब नहीं दिया क्या कर देना चाहिए अपने को प्लीज गिव द आंसर बहुत सिंपल है परफॉर्म ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर एवरीबडी अग्री बहुत है तो. advocate, क्या है? अरे वो से बात की लॉयर ने मना कर दिया क्या कर देना चाहिए बताओ बहुत सिंपल है लॉयर ने मना कर दिया है मेरा हक लॉयर से बात करने का मैनेजमेंट ने अलाउ किया पर मेरे को बात कर लॉयर ने जवाब नहीं दिया मैं क्या करूं मैं क्या करूं मैं क्या करूं બતા બઉ સિમ્પલ છે ક્યાં કરદો મોડીફાઈ દો थ्री वर्ट शु विमोस्ट रिस्पॉन्ड इन केसर रिक्वेस्ट मेट रेड बैलेंस कन्फर्मेशन टू वन फ्रॉम वनवेट लिमिटेड वूलन प्राइवेट ये वाली वो मना कर रहे मैनेजमेंट hmm. ने मना कर दिया बात करने के लिए परफॉर्म ऑल्टर ऑर्डिट प्रोसीजर्स विद ड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट कम्युनिकेटिव टीसोलॉजी इफेक्ट ऑन इज ऑडी टू इंक्वा रीजन बिहाइंड मैनेजमेंट रेस्पॉन्नेजमेंट बोलन वाले से बात करने नहीं दे रहा है थ्री का क्या है डी बात कौन से, से क्यों मना क्यों मना कर रहा भाई क्यों मना कर रहा है फोर्थ

फोर्थ बोलो फोर्थ का भी बेटा मिनट्स ऑफ मीटिंग तो देखेंगे शायद वो लिटिगेशन क्लेम्स का पार्ट है लिटिगेशन उसमें लिखा हुआ है मिनट्स ऑफ मीटिंग लीगल एक्सपेंस अकाउंट इंक्वायरी विद द मैनेजमेंट अदर्स विद इन एंटिटी ऐसा लिखा हुआ है तो ऑड आउट तो मेरे ख्याल से फोर का बी होना चाहिए ऐसे फाइव जो वन में लिटिगेशन क्लेम्स का पार्ट था वो फोर का बी वो ऑर्डमेन आउट हो गया खत्म चलो राइट तो उस दिन चार चैप्टर्स करवाए आज चार चैप्टर्स करवाए आठ चैप्टर हो गए टोटल उन्नीस चैप्टर हमारे पास फिफ्टी परसेंट ऑलमोस्ट फिफ्टी परसेंट सिलेबस मेरा खत्म कैसा लगा गाइस हाउ वाज इट आठ चैप्टर्स हो गए ठीक है सी अगेन अगेन आई एम स्ट्रेसिंग इट आउट बॉस मॉड्यूल 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 कोई इंपॉर्टेंस नहीं कोई ऐसा कुछ नहीं कुछ भी आ सकता है मेरे को भी नहीं पता क्या आएगा मेरे को तेरह साल हो गया पढ़ाते हुए मुझे भी नहीं पता कि नया सिलेबस में पहला अटैप में क्या आएगा किसी को नहीं पता अगर तुम किसी पे विश्वास को बोलो यही आएगा अरे नहीं ऐसा नहीं हो सकता ना क्योंकि आईसीआई कुछ भी कर सकता है कुछ भी कर सकता एक को लो रिस्क ले लो फालतू में इंपॉर्टेंस के चक्कर में तुम्हें छह महीने और लग जाएंगे जिनको ये बात समझ में आती है मगज में जा रहे हैं ना तो भेजे में तुम्हारा तो क्लियर हो जाएगा बाकी तो फिर क्यों दीदी रिव्यू लीगल एक्सपेंस अकाउंट लिखा हुआ है लिखा हुआ है रिव्यू लीगल एक्सपेंस अकाउंट वहाँ पर आपको चेक करना पड़ता है मैं तो ना आई एम रिकॉर्डिंग आउट कुछ बाछा है पार्ट लगेगा तीन चार दिन और लगेगा इसकी जो बाकी है वो थोड़ा सा खुद से कीजिए फिर ये कुछ तो कीजिए खुद से एक है ना आगे वाली फाइव सिक्सटी वाली होगी ये आज कर लीजिए आप फाइव सिक्सटी वाली ये दोनों एंड uh, कल हम क्या करेंगे इसके कोई डाउट हो तो मुझसे कल आप पूछ लीजिए टुमारो फोर चैप्टर्स प्लस डाउट ऑफ दिस ओके सो टुमारो टेन थर्टी वी मीट विद मोर फोर के स्टडीज ठीक है तो ये दोनों जो है बाकी आज कर लीजिएगा खुद से एंड कल हम इसके डाउट देने कुल चलो बाय बाय गाइस टेक केयर एंजॉय एम फॉर रैंक और 70 प्लस विच एवरी सर्विस बाय टुमारो टेन थर्टी